सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पहले से पता है कि आपका संधि चैप्टर जो आधा हो चुका था उसका आज आगे वाला पार्ट लेके मैं आपको समझाने के लिए आई हूँ। तो संधि किसे कहते हैं, सबसे पहले जो पिछली बार आपको करवाया था पिछले वीडियो में, तो संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल में होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। अब संधि के भेद कितने होते हैं, संधि के भेद तीन होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया था और स्वर संधि के बारे में आपको बताना था। स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। उसके बाद स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद में सबसे पहले दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, प्रकृति भाव संधि। आज मैं आपको दीर्घ संधि के बारे में बताऊंगी। दीर्घ संधि जब बार बार आने वाले दो ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के मिलाप से एक दीर्घ स्वर बनता है तो उसे क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। सबसे पहले आपको ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर क्या होते हैं ये पता होगा, नहीं पता है तो ह्रस्व स्वर अ छोटी ई, छोटा ऊ और री, और संस्कृत में री, ये तो होते हैं ह्रस्व स्वर, जिसको बोलने में कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर जिसको बोलने में दो मात्रा का समय लगता है या दुगुना समय लगता है उसको कहते हैं दीर्घ स्वर। जैसे आ बड़ी, बड़ा उ, ए ऐ और ये वाले शब्द जो भी हैं आपके वर्ण हैं, जो ये वर्ण हैं ये क्या हैं, दीर्घ स्वर हैं। अब आपको इन परिभाषा में क्या बताया गया, जब बार बार आने वाले दो ह्रस्व यानी अ प्लस अ भी आ सकता है, ये दोनों क्या है, ह्रस्व हैं, और ये इनको मिलाने पर क्या बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा, यानी ये जो आ है ये क्या है, दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ बन जाएगा। दीर्घ स्वरों के मिलाप से एक दीर्घ स्वर बनेगा। इसमें देखिए उदाहरण में दिया हुआ है आ आ आ आ, ये आगे वाले जो हैं ये ह्रस्व भी हैं दीर्घ भी हैं, दोनों के मेल से दोनों को मिलाने पर क्या बन रहा है, दीर्घ स्वर ही बन रहा है। इसी तरह ई वाले में देखिए छोटी छोटी क्या बन गया, बड़ी ई बन रहा है, तो ये भी क्या है, दीर्घ है, बड़ी ई बन रहा है इनका भी, ये भी दीर्घ है, बड़ी ई प्लस बड़ी ई इक्वल में क्या आएगा, बड़ी ई आएगा, ये सारे दीर्घ है। इसी तरह से छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ बन रहा है, तो ये भी क्या बन रहा है, बड़ा ऊ भी क्या होता है, दीर्घ बनता है, यानी दीर्घ संधि में सारे जो इसका मेल होगा, दीर्घ स्वर का ह्रस्व स्वरों का मेल होगा वो किस में होगा, दीर्घ स्वर में ही होगा, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, दीर्घ संधि कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण है, अ प्लस अ तो क्या बन रहा है, आ, तो उदाहरण में परम प्लस अर्थ ह तो क्या बन गया, परमार्थ ह, आ प्लस आ इक्वल में क्या आ रहा है, आ, दया प्लस आनंद ह, दया आनंद, आ प्लस अ, आ, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी, अ प्लस आ इक्वल में आ, दे प्लस आलय ह, देवालय ह, ई छोटी ई प्लस छोटी इक्वल में बड़ी ई, रवि प्लस इंद्र, इंद्र ह, रविंद्र ह, छोटी ई प्लस बड़ी इक्वल में बड़ी बन रहा है, मुनि प्लस ईश ह, मुनीश ह, बड़ी प्लस बड़ी ई इक्वल बड़ी ई, लक्ष्मी प्लस ईश ह, लक्ष्मीश ह, बड़ी ई प्लस छोटी ई इक्वल बड़ी ई, मही प्लस इंद्र ह, महिंद्र ह, ऊ प्लस ऊ इक्वल बड़ा ऊ, भानु प्लस उद्य ह, भानु उद्य, ऊ प्लस छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ इक्वल में बड़ा ऊ, लघु प्लस उर्मी, लघु उर्मी, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ इक्वल बड़ा ऊ, वधु प्लस उत्सव, वधु उत्सव, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ इक्वल में बड़ा ऊ बन रहा है, भू प्लस उधर्वम, भू उधर्वम, री प्लस री, री, मात्र प्लस ऋणम, मात्र ऋणम, ये थे आपके दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण जो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे बताए हैं।
इसमें से कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हो, और ये उदाहरण आपको नोटबुक में भी करने हैं, और इसके अलावा यदि आपको और भी उदाहरण मिलते हैं तो आप वो भी कर सकते हो। धन्यवाद।